किसान आंदोलन के समर्थन में कोयला उद्योग में कार्यरत श्रमिक संगठनों ने चक्का जाम आंदोलन किया। चंद्रपुर में किसान आंदोलन के समर्थन में कोयला उद्योग में कार्यरत श्रमिक संगठनों ने चक्का जाम आंदोलन कर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इस दौरान वेकोली के दुर्गापुर क्षेत्रीय प्रबंधन कार्यालय के सामने कोयला खदानों से निकल रही गाड़ियों को रोका गया, जिसके कारण कोयला परिवहन बंद रहा और खदान का कामकाज प्रभावित हुआ। संयुक्त संघर्ष समिति चंद्रपुर के तहत कुल 10 श्रमिक संगठनों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसमें प्रमुखता से इंटक, एचएमएस, आईटक, सीटू यूनियन शामिल रहे। आंदोलन दौरान पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रहा। आंदोलन दौरान प्रमुखता से किसान विरोधी कानून वापस लेने, साथ ही नए कामगार बिल और बढ़ती महंगाई के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस समय इंटक वेकोली महामंत्री के सिंह ने इस आंदोलन की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए जानकारी दी। किसान आंदोलन जो चल रहा है, न केवल उसके बल्कि जो कामगार विरोधी नया कामगार बिल लाया गया है, इसके भी विरोध में, जो पेट्रोल और डीजल रसोई गैस की जो महंगाई बढ़ी है, इसके विरोध में कामगार संगठन इस देश के हित में मोदी सरकार के विरोध में एक संयुक्त मोर्चे के रूप में इंटक, एचएमएस, आईटक और सीटू के लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रास्ता रोको यहाँ कर रहे हैं। इस सरकार ने ना केवल आम जनता को इतने तरीके से ग्रसित किया है महंगाई के मार से, कामगारों को, पब्लिक सेक्टर को हमारे बेतहाशा उसको बेच रही है। हम लोग सोचते हैं कि अगर नेहरू, इंदिरा जी या इसके पहले की जो सरकारें थी, वो भी केवल अगर शौचालय बनाई होती तो ये सरकार आज क्या बेचती। पहले की सरकारों ने तो जो चीज़ बनाया था, जिस चीज़ को आगे बढ़ाया था, उसको बेच बेच के अपना खजाना भर रही हैं और अपना खर्चा चला रही हैं। आज के इस नए बजट में ये देखा गया है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ के पास ज़मीनें हैं, उसको भी बेचने का प्रावधान कर दिया है। तो इस विरोध में आज 73 दिन से हमारे किसान कम से कम 125 के आसपास मर चुके हैं आंदोलन में। उनकी सुध नहीं ले रही है अपने देश में, ऐसा उनको उनसे बात ना करने के लिए ऐसी बैरिकेटिंग कर रही है 13 लेयर की, अगर शायद ये फौज भी कभी नहीं की होगी। तो ये अपने लोगों को जो उनका विरोध करती है उसके खिलाफ में, जो अपनी बात को रखना चाहते हैं उनके विरोध में अपना दुश्मन मानती है। इसका प्रोटेस्ट करने के लिए हम चारों संगठनों ने हमारे चंदपुर एरिया में आज दुर्गापुर में ये एक दिन का धरना रखा है 12 से 3, जो किसान का एक मोर्चा का आह्वान था, उनको समर्थन करते हुए हम लोगों ने भी अपनी आवाज को यहाँ पे उनके हक में बुलंद किया है। तो वहीं एचएमएस वेकोली महामंत्री फ्रांसिस दारा ने भी इस आंदोलन संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया दी। देश में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज यानी 6 फरवरी 2021 को चक्का जाम का आह्वान किया है। उन्हीं के समर्थन में कोयला उद्योग में भी इंटक, एचएमएस, आईटक और सीटू ने उनके समर्थन में चक्का जाम करके उनका उनकी जो आंदोलन है उनको समर्थन देने का सोचा है। तो उसी कार्यक्रम में आज दुर्गापुर में चारों संगठन इंटक, एचएमएस, आईटक, सीटू ये 12 से 3 के बीच में चक्का जाम यानी डिस्पैच को हमने रोका है। गाड़ियां जो भी रोड सेल की है, जो भी गाड़ियां चलने वाली है, उनको 3 घंटा रोक के हम उनके आंदोलन को अपना समर्थन यहाँ पर दर्शा रहे हैं।